काका वर्दी वैसे भी कब सत्या को रोक पाई है? छीन कर ले गया ना वो बाबा को। तब सत्या राजनीति का छोटा सा खिलाड़ी था, कानून की नजरों से बच निकला। लेकिन बेटा अब वो मुमकिन नहीं है, जनता के दरबार में है वो, कितना भी फड़फड़ा ले कुछ नहीं कर पाएगा। अब बेटा तेरी वर्दी ही उसका तोड़ है। सालों पहले अगर ये सत्या दादा के साथ हुआ होता ना तो दिल दुखता मेरा, बुरा लगता उनके लिए, लेकिन आज ना वहीनी हल्का सा सुकून महसूस हुआ, एक उम्मीद जगी, कोई तो आया है भाऊ साहेब को टक्कर देने। चेहरा देखने जैसा हो गया था उनका आज, वहीनी आज पहली बार उस इंसान के चेहरे पर चिंता की हल्की सी शिकन देखी मैंने, एक डर देखा, वो डर जो भले ही वो पहले दिखाते नहीं थे लेकिन उन्हें अंकुश दादा से लगता था। एक अंकुश दादा ही थे जो सत्या दादा को झंझोड़ सकते थे, हिला सकते थे। आज ऐसा लगा जैसे अंकुश दादा का ही अंश लौट आया हो सत्या दादा का सामना कर। जो भी है ना वहीनी, हमारा मसीहा है, फरिश्ता है, बाप्पा ने अपना सिपाही भेजा है हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। क्या पता ये सत्या राज बढ़कर के अंत की शुरुआत हो। देख बेटा अब मैंने तैयारी भी कर ली है, परसों यहाँ से निकल चलेंगे। काका जाने से पहले मुझे एक और काम करना है, प्लीज। मैं यूं गई और यूं आई, ओके? ए गणपति बाप्पा, आप क्या आए? काका पुणे छोड़ने से पहले मेरा ये काम करना बहुत जरूरी है, मुझ पर भरोसा कीजिए। पुणे आके सारे अपने दिख गए, बस वो एक चेहरा नहीं दिखा। जिसने भी प्रेस को वो अज्ञात टिप दी है, आई एम श्योर कि उसी ने तुमसे वो कागजात चुराए हैं। जाहिर सी बात है, हमारी तरह सत्या भी उसका दुश्मन है। वो भी ये नहीं चाहता कि सत्या सीएम बने, और राजनीति में दुश्मन का कट्टर दुश्मन पक्का दोस्त होता है। मैडम सीएम, क्या पता वो कौन है? ना कोई शक्ल है, ना कोई ठिकाना। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका इरादा क्या है। माना कि उसने काम हमारा किया है, लेकिन इतनी जल्दी उसको अपना दोस्त मानने की गलती नहीं कर सकते हैं हम। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि आखिर उसका मकसद क्या है। ये जानने के लिए तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, पर तुम अपनी रिसर्च जारी रखो और मुझे अपडेट करते रहना, इन्फॉर्म करते रहना। ओके ओके मैडम सीएम। एंड बाय द वे, सत्या घायल शेर है, पंजा मारने की फिराक में होगा। I know. You make sure कि उससे नजर ना हटे। मैम अभी तो वो सिर्फ सीएम की रेस से आउट हुआ है, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे काले घोरक धंधे हैं जिन पे ताला लगा के उसे जेल में छोड़ना है, और ये मैं करके रहूंगा। गुड लक यूंग। श्योर मैम। I'll see you. सत्या को इस बार जीतने नहीं दूंगा, और ना ही उसके हाथों से हारूंगा। Because this is personal. पापा के तो ले लिए, अभी किसके आशीर्वाद लेना? विजय भव बेटा। बाबा
यही वो जगह है जहां मैंने पहली बार आपका आशीर्वाद लिया था, हमारी जगह। Our own happy place. अब मैं आज पुणे छोड़कर जा रही हूं, पर वापस आने के लिए मैं जा तो सिविल में रही हूं, लेकिन लौटूंगी वर्दी में, वो वर्दी जो आपकी शान थी। इस वर्दी के सच्चे हकदार सिर्फ आप ही हैं अंकुश जी। आपका गुरूर थी, आपका सपना थी, बाबा आशीर्वाद दिया, अड़ी पाठीशी रहा। खुश रहिए। बप्पा हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, सत्या की लंका में आग लगाने के लिए। सत्या भाऊ, आपको जवाब देना ही होगा, जनता जवाब मांग रही है। क्या ये आप मानते हैं कि सीएम बनने की रेस में ये सबसे बड़ा रोड़ा है या फिर विपक्ष की कोई साजिश है? आपको ये बताना ही होगा, ये सच है या फिर कोई षड्यंत्र। ऐसे खामोश नहीं रह सकते भाऊ साहब आप। आपने गरीबों का हक क्यों मारा? बाहर आइए, कम आउट, वी वांट आंसर। बप्पा, इट्स मोदक टाइम। छोड़ दो जब तक पैसे नहीं दोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फाइन। तो मत छोड़ो। तुम छोड़ो। भैया एक काम कीजिए, मोदक का एक फ्रेश डब्बा सर को दे दीजिए। ये लास्ट डब्बा बचा है। तो डब्बा मेरा हुआ, हाथ पहले मेरा है। तुम छोड़ो। तुम छोड़ो। तुम छोड़ो डब्बे को। तुम छोड़ो। ये क्या? सोडिया तुझे भी जाते जाते मिलना ही था। ये क्या बदतमीजी है? क्या करूं, जब भी तुम मेरे सामने आते हो ना, मेरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। संयम से कैसे काम लूं? चलो घड़ी उतारो। का चढ़ावा रोकता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरी श्रद्धा के बीच में आए ना, तो उसे सहता भी नहीं हूं। सुनो,
बप्पा से प्रार्थना करना दोबारा मुझसे पाला ना पड़े। सत्या की जो हालत की है ना मैंने, वो इस युग की भी करूंगी। धीरे धीरे इन दोनों में दरार डालूंगी। दिवाकर मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो, हमने हमेशा तुम्हारे न्यूज चैनल को सपोर्ट किया है और इस बार तुम्हारी बारी है भाऊ साहब को सपोर्ट करने की। ये जो फालतू की न्यूज चल रही है ना तुम्हारे न्यूज चैनल पे, इसको अभी के अभी बंद करो। आप क्या मुझे धमकी दे रही हैं? दिवाकर भाऊ, मैं आपको धमकी दे सकती हूँ, वही नहीं हूँ मैं आपकी, हक से कह रही हूँ आपसे, मेरी बात को समझिए। राजनीति में इस तरह के कीचड़ अक्सर उछाले जाते हैं, ये सिर्फ साजिश है, भाऊ साहिब को सीएम के रास्ते से हटाने के लिए किया जा रहा है और आप ऐसी न्यूज को हवा देंगे। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बस इस न्यूज को बंद कर दीजिए। वही नहीं, अब ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है मतलब? देखिए, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, भाई के खिलाफ ठोस सबूत बाहर आ चुके हैं। मैं रिपोर्ट ना भी करूं तो दूसरों को कैसे रोकेंगी आप? मेरी सलाह मानिए, सीएम बनने का सपना भूल जाइए। ठीक है दिवाकर, ये बात ध्यान रखना कि भाव साहेब ये बात कभी नहीं भूलेंगे। अब क्या हुआ बेटा? मैं सबको मिली, सबको देखा, बस वो एक ही है जिसे मैं मिल नहीं पाई। एक तो वैसे भी जमीन घोटाले के पेपर हाथ से निकल गए, ऊपर से अब ये घड़ी काटती। सबसे ज्यादा दिमाग खराब ना मेरा उस लड़की की वजह से हुआ है। वो लड़की है ही मनहूस, जब भी सामने आती है कुछ ना कुछ नुकसान करवा देती है। था कोई जो मेरे जाने पे बहुत रोया था, मेरा सच्चा दोस्त जिसे मैं आखिरी बार भी मिल नहीं पाई थी, पता नहीं कहाँ होगा वो। मेरा एक क्या भूचाल चाहे कितना भी हो, मैं लक्ष्य से नहीं डगमगा। मुझे तो तू बेस्ट लगती है, तू मेरी मस्त दोस्त है। तेरे बिना मजा नहीं आएगा मुझे। मजा तो मुझे भी नहीं आएगा रे। इतना बड़ा नाम नहीं बुलाऊंगी तुझे, एकलव्या। एकिया बुलाऊंगी, एकिया। तेरा एकिया तुझे कभी भी नहीं बुला रहे और ना कभी भूलेगा। कोई नहीं जानता कि मैं एकलव्य हूं, नॉट इवन मैडम सीएम। मैंने एजेंसी से स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपनी पहचान बदलवाई थी और सबसे छुपाई थी, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं, अंकिता मैडम पे भी नहीं। सो दिस इज जस्ट नॉट सम वर्क असाइनमेंट, दिस इज पर्सनल। अब तेरे दोस्त नहीं रहे ना तुझे बचाने के लिए, तो अब मैं जैसा बोलूं वैसा करना, उसी में तेरा फायदा है। चल जा, ड्रिंक लेके आ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं सत्या को उसके किए की सजा दूं, वो भी अपने हाथों से। तुझ पे किए हर एक जुल्म की सजा, तुझे दिए हुए हर एक दर्द की सजा, तेरे बाबा पे किए हुए अत्याचारों की सजा, और तुझे मुझसे हमेशा के लिए छीन लेने की सजा। बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। वादा है रे तेरे एकिया का कि जब तक सत्या को उसके किए की सजा ना दो, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना उसे बैठने दूंगा। भाऊ साहब, हाय हाय। भाऊ साहब, हाय हाय। भाऊ साहब, हाय हाय। कुछ भी करके ये मामले को शांत करना होगा, जिसकी भी मदद लेनी पड़े, लेकिन ये मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। हाय हाय। भाव साहब बेईमान है, गरीबों के लिए सरदार है। भाव साहब बेईमान है, गरीबों के लिए सरदार है।
Hey, क्या कर रही हो? बैठ 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 साथ में बैठ के तमाशा देखेंगे। आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, ये आपको पीछे नहीं हटा पाएंगे। ये सब बहुत जल्द बंद हो जाएगा। देख कभी क्या है ना, जो नुकसान होने का था वो तो हो चुका है ना रानी साहब। एक बात लेकिन तय है कि ये आने वाला इलेक्शन मैं नहीं लड़ सकता। जिन लोगों ने भाऊ साहब को अपने सर आंखों पर बिठाया, इतना सम्मान दिया, उसी भाऊ साहब ने उन लोगों को ठगा। सत्य राजवस्त्र का सीएम बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता। चल बेटा खाना खा ले। काका सालों बाद जो सुकून मिला है ना, उससे इतना जी भर गया है कि भूख ही नहीं लगी मुझे। आपको पता है काका, आज ना मुझे एकदम सुकून वाली नींद आएगी। जरूर आएगी बेटा, क्यों नहीं आएगी। काका आई और बाबा खुश तो होंगे ना हमारी आज की इस जीत पर। खुश भी होंगे और तेरे ऊपर गर्व भी महसूस कर रहे होंगे बेटा। इतना बड़ा कारनामा तूने वो पर्दे के पीछे रहकर कर दिखाया, एकदम वो पुलिस वालों की तरह जो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर समाज की सेवा करते हैं, बिना कुछ लालच के, बिना कुछ मतलब के। तू सही मायनों में एक पुलिस ऑफिसर है बेटा। अपने बहादुर आई बाबा की बहादुर लड़की मेरी दबंगी। सफेद कुर्ते पे दाग लगता है ना, उसी को पब्लिक से छिपाना, उसे राजनीति कहते हैं। और इस बार उस पब्लिक को ये दाग दिख गया। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आर्या, बेटा एक मिनट, ये लो पानी पियो। फिर से वही सपना देखा ना बेटा। कुछ नहीं, सब ठीक है। देखो सांस लो, आराम से सांस लो। देख बेटा, बापा है ना, हाँ बापा है ना हमारे साथ, सब ठीक करेंगे बेटा, कुछ गलत नहीं होने देंगे। बहुत बुरा सपना देखा। देख बेटा, इससे भी बुरे सपने तूने पहले देखे है ना। अब तो सब ठीक हो गया है ना, हाँ तो अभी क्यों चिंता कर रही है तू। नहीं काका, अलग था सत्या, बहुत अलग था इस सपने में, और कई ज्यादा खतरनाक भी। ए बेटा देख, तूने अपने हाथों से हराया है उसको, हाँ हे जीती है तू, हाँ अब क्यों डर रही है तू। पता नहीं काका, जीतने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.